तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों। देखिए, एक यूपी पुलिस में एक भर्ती आई थी, ठीक है, रेडियो शाखा के पद पर, ठीक है। 2430 पदों पे जो इसका वैकेंसी निकला था, यहाँ पे देखिए 2430 पद है रेडियो शाखा के पद पे थी, ये वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म अप्लाई किया गया था, इसका देख लीजिए, अभी इसका जो है एक नोटिफिकेशन आया है, इसका जो टेंडर अप्लाई करने के लिए, इसका देखिए इस जो बोर्ड है वो इसको जो है अप्लाई करने के लिए डेट फाइनल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने रेडियो शाखा के 2430 पदों पर चयन को लेकर भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनियों और परीक्षा एजेंसियों से टेंडर मांगे, ठीक है। तो इसका जो है टेंडर अप्लाई करने के लिए देख लीजिए, भर्ती बोर्ड ने, प्रोन्नति बोर्ड ने, पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है वह जो है इसको अप्लाई करने के लिए कह दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कब से अप्लाई किया जाए, कब से इसका टेंडर होगा, ठीक है, इसमें डिटेल क्या है देखिए देखते हैं। देखिए टेंडर मांगे लिखा है, इसके लिए कंपनियों को 6 अक्टूबर 2022 को सुबह 10 बजे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड में आकर अपनी निविदाएं पेश करनी होंगी, ठीक है। यानी जो है 6 अक्टूबर से इसका स्टार्ट हो जाएगा टेंडर अप्लाई करने का, ठीक है। और देखिए क्या लिखा गया है, आगे लिखा है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के टेंडर नोटिस के मुताबिक असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर व क्रमशाला कर्मचारी के 2430 पदों पर निकली भर्ती के लिए 5,39,841 युवाओं ने आवेदन किया, ठीक है। ये जो वैकेंसी आई है, ठीक है, इसमें तीन पोस्ट है, एक है असिस्टेंट ऑपरेटर की, एक हेड ऑपरेटर की है और एक कर्मशाला कर्मचारी की है, ठीक है। तीन पोस्ट है ये, 2430 पोस्ट पे ही निकल के आया है। और इसमें जो जितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, देखिए इसमें कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, 5,39,841 युवाओं ने इसको आवेदन किया, ठीक है। और देखिए इसमें अब भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी को इन 5.39 लाख उम्मीदवारों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करना होगा, ठीक है। और देखिए क्या लिखा आगे, इस परीक्षा के जरिए उप्र पुलिस रेडियो संवर्ग में क्रमशाला कर्मचारी के 120 पदों, असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 पद और हेड ऑपरेटर के 936 पद पर भर्ती होगी, ठीक है। जो क्रमशाला कर्मचारी का उसमें 120 पद है, असिस्टेंट ऑपरेटर का 1374 पद है और हेड ऑपरेटर का 929 पद निकल के आया, ठीक है। इतना पद यही टोटल सब मिलाकर 2430 पोस्ट आप लोगों का निकल के आया, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है, लिखा है, पिछले सप्ताह यूपी पुलिस में स्पोर्ट कोटे से कांस्टेबल की भर्ती के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी। स्पोर्ट कोटे से कांस्टेबल की इस भर्ती में 534 वैकेंसी निकाली गई हैं, ठीक है। और देखिए आगे क्या लिखा है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से निकाले टेंडर के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा में 5,39,841 उम्मीदवारों के बैठने की उम्मीद है, ठीक है। कर्मशाला कर्मचारी पद के लिए 73,614, ठीक है, कर्मशाला जो कर्मचारी का जो पद है उसमें 73,614 जो है इतने कैंडिडेट्स इसको अप्लाई किए हैं, ठीक है। और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 3,89,711 लोग इसको अप्लाई किए हैं, ठीक है। और हेड ऑपरेटर के लिए 76,516 लोग इसको अप्लाई किए हैं, ठीक है, उम्मीदवारों ने आवेदन किया, ठीक है। यह भी कहा गया है कि परीक्षा OMR सीट पर ऑफलाइन मोड से होगी, ठीक। देखिए इसमें जो परीक्षा होगा वह आप लोगों का ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। OMR सीट पे होगा, यानी कि बहुविकल्पी होगा, जैसे OMR सीट पे होता है वैसे होगा, ठीक है। और देखिए आगे क्या लिखा है, जिस कंपनी को भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी वह OMR बेस्ड लिखित परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PST के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जैसे काम देखेगी, ठीक है। उम्मीदवारों का एप्लीकेशन डेटा भर्ती बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें चयन प्रक्रिया कैसे है, ठीक है। देखिए एक जो असिस्टेंट व हेड ऑपरेटर, ठीक है, जो असिस्टेंट का जो निकला है और एक हेड ऑपरेटर का जो निकला है, उसके लिए देख लीजिए कैसे होगा। परीक्षार्थियों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, शारीरिक माप तौर व शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रदर्शन के लिए आधार पर किया जाएगा, ठीक है। और जो कर्मशाला कर्मचारी का जो निकला है उसका देखिए चयन प्रक्रिया कैसे होगा, चयन परीक्षा 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, सामान्य हिंदी, साइंस सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से 100-100 अंक के प्रश्न आएंगे। परीक्षा 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। देखिए कर्मशाला कर्मचारी का जो एक जो तीसरा वैकेंसी है, ठीक है, इसका जो परीक्षा होगा इसमें 400 अंकों का परीक्षा होगा, ऑनलाइन लिखित होगी, ठीक है, वही जो ऑफलाइन मोड से वही 400 नंबर का होगा। इसमें चार भाग होंगे, एक सामान्य हिंदी से आएगा, एक साइंस से आएगा, ठीक है, सामान्य ज्ञान से जिसे कहते हैं, एक संख्यात्मक यानी कि मैथ से आएगा और एक रीजनिंग से आएगा, ठीक है। 100-100 नंबर के होंगे चारों, 400 नंबर के आएंगे और 2.5 घंटे का समय होगा आप लोगों का, ठीक है, उसी के अंदर आप लोगों को हल करना है। और देख लीजिए इसमें PET कैसे होगा, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षण। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व शारीरिक मानक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को PET में शामिल होना होगा।
पुरुष अभ्यर्थियों को 28 मिनट में, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों को देखिए लिखा है 28 मिनट में 408 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, ठीक है, 408 किलोमीटर की रेस होगी 28 मिनट में आप लोगों को तय करना है। और महिलाओं के लिए 16 मिनट का होगा, ठीक है, 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी इसमें, ठीक है, 16 मिनट में आप लोगों को इसको तय करना है महिलाओं को, ठीक है। और देखिए मेरिट क्या होगा, पीईटी में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट जारी होगी, ठीक है, उसी के आधार पर आप लोगों का मेरिट बनेगा, तो उस आधार से आप लोगों का चयन किया जाएगा, ठीक है, उसमें आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यही था जो रेडियो शाखा के जो वैकेंसी आई थी उसका जो टेंडर जो है अप्लाई करने का जो नोटिस है यही था, ठीक है। देखिए 6 तारीख से इसका जो टेंडर अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब जो मतलब कि टेंडर अप्लाई करने के लिए अब ऑनलाइन मतलब कि अनाउंस हो चुका है, ठीक है, तो जब टेंडर अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद जल्द ही इसका परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा, ठीक है, टेंडर अप्लाई होने के बाद तुरंत इसका परीक्षा भी आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर इसका जो है अप्लाई करने इस फॉर्म का अप्लाई किए हैं, ठीक है, इसका तैयारी कर रहे हैं, इसको मतलब कि इसका इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग तैयारी इसका करिए बढ़िया से, अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, ठीक है, और जो है आप लोग इसका परीक्षा दीजिए, ठीक है। तो यही देखिए इसका पूरा डिटेल्स भी आ गया, इसमें क्या मतलब कि कितने कितने वैकेंसी निकले हैं, कितने लोग इसको अप्लाई किए हैं, उस अनुसार जो है इसमें जो है मेरिट बनेगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी टोटल निकल के आया 2430 ही पोस्ट है, लेकिन अप्लाई करने वाले बच्चों का संख्या है 5,39,841 लोग इसको अप्लाई किए, ठीक है, यानी कि इसमें जो है मेरिट भी बढ़ के बनेगा, ठीक है, तो आप लोग इस तरह से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जब इससे रिलेटेड कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, या कोई परीक्षा की या कोई भी तिथि मतलब कि जैसे इससे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आप लोग इसका नोटिफिकेशन पा जाएंगे और जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक, और आप लोग ताकि आप लोगों से कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।